संभल से बड़ी खबर। संभल में सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ मुकदमा दर्ज। संभल सदर कोतवाली में डॉक्टर बर्क के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा। पश्चिमी यूपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंगल की तहरीर पर सपा सांसद बर्क के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। आईपीसी की धारा 153A, 124A, 295A के तहत बर्क के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा। देर रात बर्क के खिलाफ तहरीर देने के लिए संभल सदर कोतवाली पहुंचे थे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल और बीजेपी जिलाध्यक्ष ओमवीर खड़गवंशी के नेतृत्व में भाजपाई। उस मुल्क से या तालिबान से मुझसे क्या ताल्लुक, मैं इस सिलसिले में कोई कुछ बात नहीं कह सकता। मैं कि मेरे मुल्क की जो पॉलिसी होगी अपने मुल्क के साथ हूँ। बस तालिबान है, अफगानिस्तान है, तो ये उनका घर में का अपना जाती झगड़ा है। ये भड़काने के लिए और झूठी मेरे बयान को तोड़ मोड़ कर ये बयान कर दिया। बताइए किस कदर गलत बयान किए। अब इस पर जांच कर ले, अरे जांच करो, मेरा भी बयान ले लो, उनका बयान उनके सामने मेरे सामने ले आओ, तो मुकदमा दर्ज कर लें तो। लेकिन मुकदमा सच्चाई पर चलाएंगे या ये जो झूठा मेरे खिलाफ इल्जाम लगाया जा रहा। डॉक्टर शफीकुमार बर्क संभल लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। उनके द्वारा कल जो बयान दिया गया है, मैंने अखबार में पढ़ा और सोशल मीडिया पर देखा, तो वो बयान तालिबानी आतंकवादियों के समर्थन का के पक्ष में देने वाला बयान है। पूर्व में भारत की सरकार के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है कि हम इस तालिबान संगठन के हम भर्त्सना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, और यदि उन्हें तालिबानी से प्रेम है, डॉक्टर शफीकुमार बर्क जो संभल के सांसद हैं, यदि उन्हें तालिबानियों से प्रेम है तो वह हिंदुस्तान छोड़कर अफगानिस्तान तुरंत चले जाएं। उनको के पास यदि किराए का पैसे नहीं है, टिकट के पैसे नहीं है, हवाई जहाज की यात्रा के पैसे नहीं है, तो मैं उनको मुफ्त टिकट कराकर, अपने पैसे से उनको मुफ्त टिकट कराकर उनको भेजने का काम मैं कर सकता हूँ यदि उनके पास पैसे नहीं है। और यदि वो आज तय करें डॉक्टर शफीकुमार बर्क वो देशभक्त हैं या देश विरोधी हैं, यदि तालिबानी के समर्थन में बात करते हैं तो वो देश विरोधी हैं, यदि देश विरोधी हैं तो भारत सरकार या प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और आज समाजवादी पार्टी भी तय करें कि समाजवादी पार्टी देशभक्त है या राष्ट्र विरोधी है। आज समाजवादी पार्टी को भी विचार करने की जरूरत है। समय समय पर समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान इस प्रकार से आते हैं। अभी पिछले दिनों में आपने देखा मुरादाबाद के लोकसभा के सांसद एसटीएसएल के द्वारा 15 अगस्त को जो एक आज़ादी का पर्व है, स्वतंत्रता पर्व, पूरे देश के अंदर धूमधाम से मनाया जाता है, परंतु राष्ट्रगान को उल्टा सीधा गाकर हमारे तमाम देश के करोड़ों देशभक्तों का, नागरिकों का अपमान किया है। और जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बलिदान करा अपने आपको, ऐसे लोगों के बलिदानों का के खिलाफ उन्होंने इस प्रकार का राष्ट्रगान को गाकर समाजवादी पार्टी के नेता इस प्रकार से लगातार हमारे इस देश की संस्कृति को, इस राष्ट्र की संस्कृति को लगातार कुटाघात करते हैं, उस पर हमला बोलते हैं और अपमानित करते हैं। मैं चाहूँगा कि आज समाजवादी पार्टी तय करे कि वह देशभक्त पार्टी है या देश विरोधी पार्टी है। यदि देशभक्त है तो मैं मांग करता हूँ समाजवादी पार्टी से कि डॉक्टर शफीकुमार बर्क और एसटीएसएल जो मुरादाबाद के सांसद हैं, इन दोनों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें पार्टी से बाहर निकाला जाए। थाना संभल कोतवाली में कल देर रात संभल सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क व दो अन्य व्यक्ति फैजान चौधरी व मोहम्मद मुकीम के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके द्वारा तालिबान के संबंध में भड़काऊ बयान दिए गए। एक प्राइवेट व्यक्ति श्री राजेश सिंघल द्वारा लिखित तहरीर देकर यह बताया गया कि डॉक्टर बर्क द्वारा एक मीडिया ब्रीफिंग में तालिबान की तुलना भारत के स्वाधीनता सेनानियों के साथ की गई तथा उसकी जीत पर खुशी मनाई गई। ज्ञातव्य हो कि तालिबान भारत सरकार द्वारा घोषित एक आतंकवादी संगठन है। इस तरह के बयान देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं, अतः उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार पर उपरोक्त तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 124A, 153A व 295A IPC के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अन्य दो व्यक्तियों द्वारा फेसबुक पर इसी प्रकार के बयान दिए गए, उनके विरुद्ध भी इसी FIR में अभियोग पंजीकृत किया गया है। समस्त साक्ष्य संकलन के साथ में वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
देशद्रोह के बारे में इस तरह की बयानबाजी करने वाले व्यक्तियों अथवा सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट शेयर करने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई संभल पुलिस द्वारा की जाएगी। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।